हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 11 साइंस चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 में दो सम कंप्लीट किए थे। उसके आगे का सम नंबर 1, उसमें 1, 2, 4, फिर सम नंबर 2, उसमें भी 1, 2, 4 था, तो दोनों देखे। आज सम नंबर 3 कर रहे हैं। सम नंबर 3 में पहले पूरा क्वेश्चन लर्न कीजिएगा। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन, शॉर्ट में लिखा है, इन 1 मिनट। ओके, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन व्हील कर रहा है। नंबर फर्स्ट लाइन, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। ओके, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन वो व्हील टर्न करेगा। ओके, तो हमें उस फॉर्म में सोचना है। अभी 360 रिवॉल्यूशन के फॉर्म में दिया है, उसको हमें रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा एक वेरिएशन, बड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 1 मिनट है और आंसर 1 सेकंड में मांगा है, तो मिनट और सेकंड का भी रिलेशन चेंज करना पड़ेगा। तो दिया है, उसको पहले कन्वर्ट करते हैं कि 360 रिवॉल्यूशन कितने मिनट में होगा। 1 मिनट में, तो वही 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट, दैट मीन 60 सेकंड। 1 मिनट दैट मीन 60 सेकंड, तो मिनट का सेकंड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमें फ्यूचर में सेकंड में जाना है, मिनट के रिगार्डिंग कुछ सोचना नहीं। देन आफ्टर, आगे अभी 60 में से 1 सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड करो, तो 360 डिवाइड 60, दैट मीन 6 रिवॉल्यूशन। 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन होगा। चलो, ये तो हम एक रिलेशन लेके आए कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन था, तो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन था। अब रिवॉल्यूशन का रिलेशन सेकंड के साथ हो गया है। अभी लास्ट में वो ढूंढना है कि 1 सेकंड में कितना रेडियन टर्न करेगा। ओके, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 रिवॉल्यूशन, हमने यूनिट सर्कल दिखा है कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट करो तो डिग्री में 360 बट रेडियन में 2π, तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियन। कितना रेडियन है? 2π रेडियन। तो 6 रिवॉल्यूशन है, तो 6 बार आप रोटेशन करोगे, सर्कल कंप्लीट करोगे, तो 6 × 2π, दैट मींस 12π रेडियन। तो सेकंड में भी मिल गया। अब रिवॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर दिया? रेडियन में। तो 1 सेकंड में 12π रेडियन मतलब कि होगा, जो रिवॉल्यूशन का कन्वर्जन है वो। अंडरस्टैंड? अगेन, रिवॉल्यूशन का रिलेशन मिनट में दिया है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। अब सेकंड एंड रिवॉल्यूशन का रिलेशन आया, फिर रिवॉल्यूशन का मतलब कि कन्वर्जन किया रेडियन में, तो 1 रिवॉल्यूशन इज 2π रेडियन, तो 6 रिवॉल्यूशन इज 12π रेडियन। ऐसा करके रिवॉल्यूशन का किस में कन्वर्ट किया? रेडियन। अंडरस्टैंड? ओके, ये सम नंबर 3 टोटल कंप्लीट हुआ। इजी सम था, जस्ट कन्वर्जन करना था यूनिट का। उसके बाद अगेन थोड़ी इक्वेशन के रिगार्डिंग बात करनी है कि आगे हमने यूनिट सर्कल ही सीखा था, अभी नए 2 और इक्वेशन बड़ा सीखने हैं। नंबर 1, आर्क ऑफ लेंथ। क्या सीखना है? आर्क ऑफ लेंथ। वही अगेन, मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल का कुछ हिस्सा मैंने कवर किया है, ओ से लेके ए एंड ओ से लेके बी। तो ए टू बी, दैट मींस आर्क ऑफ लेंथ एल बोलते हैं। ओ से लेके ए रेडियस है, तो ओ से लेके बी भी रेडियस है। ओके, उस दोनों के बीच में जो बाउंडेड एंगल हो रहा है, उसको नाम दे रहा हूं थीटा। ओके, तो उसका रिलेशन एल आर एंड थीटा का रिलेशन है आर्क ऑफ लेंथ, एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्या रिलेशन है? एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल मीन्स लेंथ, आर मीन्स रेडियस, एंड थीटा इज इन एंगल, बट थीटा ऑलवेज किस में होना चाहिए? रेडियन में। अगर डिग्री में दिया है, फिर भी किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। ओके, तो यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं कि थीटा ऑलवेज रेडियन में ही लिखना है, डिग्री में अलाउड है। बढ़िया दिमाग में। ओके, और दूसरा है एरिया ऑफ सेक्टर। उसी फिगर की जरूरत रहेगी, नया कुछ उसमें लेना नहीं है। एरिया ढूंढने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। ओके, तो नंबर 1, पहले तो एरिया इज इक्वल टू इक्वेशन है 1/2 L × R। क्या है? 1/2 L × R। ओके, जैसे
ट्राइंगल का मतलब कि एरिया का इक्वेशन था 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड, उसी हिसाब से 1/2 एल इनटू आर, तो ये इक्वेशन चलेगा। बट वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर वैसे के वैसे आर इनटू आर, तो आर स्क्वायर, तो दूसरा इक्वेशन भी सामने आया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन केस आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है। अगर आपको एल आर दिया हुआ है तो नंबर वन सही है, बट एल है ही नहीं क्वेश्चन में, ओनली आर एंड थीटा दिया है तो नंबर टू इज बेटर। बट अगर एल आर एंड थीटा तीनों दिए है तो वन एंड टू दोनों में से जो भी यूज करो आंसर क्या आएगा, सेम। बस इसमें भी थीटा किसमें कन्वर्ट करके रखना है, रेडियन में, डिग्री में चलेगा नहीं, तो ये थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। समझ में आ गया? तो आज के लेक्चर में हमने एक तो सम नंबर 3 पूरा कंप्लीट किया और साथ ही साथ मतलब कि दो इक्वेशन भी कवर किए। दोनों इक्वेशन अच्छे से याद रखना है, इक्वेशन इसलिए कवर किया है नंबर 4 से आगे जब हम जाएंगे तो यही इक्वेशन का यूटिलाइज होने वाला है। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना, थैंक यू।